तो ये जो पूरा कैसल है ये 1460 AD में राजा फित सिंह ने बनवाया था, जो उस टाइम पे कुल्लू के यहाँ के जो राजा थे, जो रॉयल फैमिली थी यहाँ की। अभी जो कैसल का रेस्टोरेंट है अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ देखो, यहाँ से राजमा की ही एक राजमा ही है ये हिमाचली डिश में, राजमा के बाद थोड़ा थिक ग्रेवी में। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। सो टुडे डे 3 इन मनाली एंड अभी हम निकल रहे हैं। आज तो काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप धूप भी निकली हुई है मॉर्निंग से। सुबह एक दो घंटा बारिश हुई थी बट आज मौसम काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है, धूप भी है। एंड चलो फिर अभी निकल रहे हैं मनाली एक्सप्लोर करने दोबारा से। सो लेट्स गो। So we are again back on the road with Himalayan. यार हिमालयन ना यार चलती बड़ी बढ़िया है, मतलब मेरा तो मतलब दिल आ गया यार। मतलब मुझे क्लासिक 350 चलाता हूँ मैं, मुझे तो पसंद है, बट हिमालयन पे तो भाई हिमालयन के अपने अलग मजे। मतलब क्या प्रॉपर स्मूथ हैंडलिंग है एंड सब कुछ है, मतलब बढ़िया है यार। मेरा बड़ा मन था, पहले मैं सोच रहा था कि मैं अपनी क्लासिक 350 सेल आउट कर दूँ एंड हिमालयन निकलवा लूँ। फिर रॉयल इनफील्ड ने न्यूज़ दे दी कि हिमालयन 450 आ रही है, तो मैं बस उसी का ही वेट कर रहा हूँ कि हिमालयन 450 आ जाए। तो क्योंकि उसमें कई सारे ज़्यादा फीचर्स के साथ लोडेड होगी, ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उससे कई ज़्यादा चेंजेस करके उसको अपग्रेड करके ही वो लाएंगे। मनाली में धूप देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। अभी हम जा रहे हैं नागर। तो जब आप लाइक कहीं से भी दिल्ली 5 से आ रहे हो तो पहले आपका कुल्लू पड़ता है, कुल्लू के बाद नागर पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं नागर एंड नागर में हम जा रहे हैं नागर कैसल। पेट्रोल भरा लेते हैं क्योंकि पेट्रोल इन्होंने जब से कल से भरा के दिया, हमने कुछ भराया नहीं है। मजे यार, पता नहीं कब से सोच रहे थे यार, मतलब जाएंगे। मतलब मैं तो बस अभी आप मानोगे मेरा मनाली में भी ना मन नहीं भर रहा है, और मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि यार जब यहाँ पे ये सीन है तो मतलब जब आप मानोगे जब उधर जाएंगे क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे ऐसा सीन है तो जब हम लद्दाख वगैरह जाएंगे तो वहाँ का कैसा क्या सीन होगा वो तो अपरंपार। और अगली बार ट्राई करेंगे कि हम अपनी बाइक से ही आए, ट्राई क्या करेंगे फॉर श्योर है। और अगली बार मनाली, मैं कंफर्म गारंटी दे रहा हूँ, अगली बार मनाली, मार्क माय वर्ड्स, हम तभी आएंगे जब हम रेल लद्दाख करने जा रहे होंगे। पहाड़ों का ना बड़ा अनसर्टेन हो जाता है। सुबह जब मैं उठा था मैंने सोचा था सुबह 5-6 बजे हम लोग निकल लेंगे, 8 बजे तक तो जो बारिश हो रही थी यहाँ पे, और मतलब अब देख लो अब पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश हुई भी थी। तो नागर कैसल चलते हैं एंड अगर हमारा टाइम सही रहा, खा पी लिया हमने, तो विल ट्राई कि हम अटल टनल चलें, जहाँ तक जाने को मिलेगा वहाँ तक जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। जब मैं मनाली आ रहा था ना तो मुझे ये ब्रिज दिखा था छोटा था, तो अभी मुझे दोबारा दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा फोटो वोटो शूट रील्स बना ली जाए। बढ़िया, मतलब यार काफ़ी बढ़िया फील आ रहा, मतलब अच्छा व्यू था रिवर का एंड सब कुछ। ओहो मनाली की रोड भाई, क्या मज़ा आ रहा है ना, मतलब गजब यार, बहुत मज़ा आ रहा है।
भाई मतलब नागर कैफल जाने का जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब सीरियसली यार ये देखो क्या बढ़िया प्यारा रास्ता है, मतलब फुल ग्रीनरी, अच्छी सी प्यारी सी रोड और ये माउंटेन्स, फाउंटेन्स तो ये वाले मनाली में हर जगह से ही दिख रहे हैं। बट यार काफ़ी बढ़िया रूट है। This is Nagar Castle. So this is castle entry and entry fees है 50 rupees around. तो ये जो पूरा कैसल है ये 1460 AD में राजा सिद्ध सिंह ने बनवाया था, जो उस टाइम पे कुल्लू के यहाँ के जो राजा थे, जो रॉयल फैमिली थी यहाँ की, तो उन्होंने ही पूरा कैसल बनवाया था। एंड करंटली ये हिमाचल टूरिज्म के अंडर में है और उनको हैंड ओवर कर दिया गया है। आर्किटेक्चर की बात करूँ, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है ये पूरा। एंड इस जगह की एक खास बात और है कि ये पूरा लाइक जब अर्थक्वेक आया था यहाँ पे हिमाचल में तो सब कुछ तहस नहस हो गया था, बट ये इतना पुराना जो कैसल है इसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये पूरा जो बिल्डिंग है ये पूरी अर्थक्वेक प्रूफ है। एंड मतलब किसी भी तरह का कुछ भी लाइक नेचुरल कैलमिटी होती भी है तो इस कैसल में कुछ भी नहीं होता। एंड आर्किटेक्चर देखो यार, आर्किटेक्चर के बिल्कुल बहुत प्यारा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही सुंदर लकड़ी का स्पेशली जो यहाँ पर काम होता है। तो अभी हम लोग चलते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। दिस इज वे टू म्यूजियम एंड म्यूजियम इज इन द बेसमेंट। तो अभी बेसमेंट में चलते हैं हम लोग। यार फुल फील आ रहा है, मतलब लाइक सच में ये कैसल वाला बिल्कुल लकड़ियों के लाइक वुडन स्टेयर्स एंड एवरीथिंग, तो काफ़ी बढ़िया है यार। So, यहाँ पे जो जो चीज़ें रखी हुई मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट हाँ ये जो पेड़ खड़ा है ये लाइक हिमाचल की जो लोकल ड्रेस वगैरह है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये कोई, एंड ये खाना बनाने की चीज़ें लग रही हैं। एंड ये आपका वो जो कपड़ा क्या बोलते हैं वीवन किया जाता है, तो वो आई गेस है वो सब। छोटा सा एक म्यूजियम बना रखा है एक लुक देने के लिए कि पहले लाइक कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज करते थे सब। चलो आपको और कैसल घुमाते हैं। ये अभी अराउंड 100 साल पहले ये हिमाचल टूरिज्म को दे दिया गया है, तो वो अब ये प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं और यहाँ पे मतलब अभी रूम्स रेस्टोरेंट्स पूरा इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड अगर आप यहाँ रहते हो तो काफ़ी अच्छे व्यूज हैं। एंड रेस्टोरेंट अभी ट्राई करते हैं कि कुछ खा पी के देखते हैं कि कैसा है, बट हाँ बालकनी के रेस्टोरेंट का व्यू काफ़ी अच्छा है। चलो आज मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अभी जो कैसल का रेस्टोरेंट है अभी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे कितना प्यारा है। एंड अभी हमने कुछ हिमाचली कबीब मंगाया है। बहुत तेज हवा चल रही है और बहुत ठंडी हवा चल रही है, मतलब दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। मैं तो जैकेट इस वजह से भी नहीं उतारा क्योंकि इतनी ठंड लग रही है, मतलब ये देखो।
राजमा सुमद्रा, राजमा की ही एक राजमा ही है ये हिमाचली डिश में, राजमा के साथ थोड़ा थिक ग्रेवी में। राजमा सुमद्रा हिमाचली कुजीन है, तो मैं यही ट्राई करते हैं। तो अभी अभी हिमालय का लोकल कुजीन हम लोग ने ट्राई किया एंड इट वाज राजमा सुमद्रा। एंड राजमा का लाइक वो दाल मखनी फ्लेवर में कह लो आप वो था, बट काफ़ी अच्छा टेस्ट था। तो अगर आप नगर कैसे ला रहे हो तो रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो एंड आई विल सजेस्ट कि लोकल जो हिमाचल कुजीन है वो ट्राई करो। भाई गेयर लगाने की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, गेयर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा यहाँ पे, इतना स्टीप है। आप बस आराम से बाइक चलाते चले जाओ, बीच बीच में हल्के हल्के ब्रेक मार दो टू मेंटेन द स्पीड। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी बंद कर दूँ। गाड़ी बंद है, मस्त चल रहे हैं अभी हम लोग। यार बढ़िया जगह थी, खाना वाना भी बढ़िया था, खा और पेट भर गया है हमारा बहुत अच्छे से। और राजमा तो यार मेरे फेवरेट हैं और हिमाचली राजमा तो मतलब उस पर थोड़ा एक और नंबर और जुड़ गया उसमें। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मनाली के और भी प्लेसेस के बहुत सारे व्लॉग्स आते रहेंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।